हाय गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं फिर से हूँ अपने टेरेस गार्डन में कुछ सब्जियां हार्वेस्ट करने के लिए। आपको पता ही है मैंने पहले भी 3-4 हार्वेस्टिंग ले ली है, आपको इस वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगी और आई होप आपने वैसे देख भी ली होंगी वो वाली वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आ गई हूँ करेले वाले पॉट की तरफ। ये वाले ब्लू पॉट में, बड़ा वाला जो पॉट है उसमें लग रहे हैं ये करेले। देखो कितने हेल्दी प्लांट्स लग रहे हैं फ्रेंड्स। देखो इतनी गर्मी पड़ रही है, आज है डेट 18 मई 2023 और फिर भी देखो कितने, इतनी गर्मी में भी कितने हेल्दी लग रहे हैं ये। और करेले सबसे पहले दिखाती हूँ आपको, बड़े बड़े। सबसे पहले तो बहुत सारे हो रहे हैं करेले, मैं लूंगी आज, बट सबसे पहले ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स कितना मोटा करेला। ये देखो कितना हेल्दी भी है, ये बहुत हेल्दी है। और एक ये ड्रम के पीछे छुपा हुआ दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये रहा। ये देखो कितना बड़ा साइज है इसका, ये देखो। तो चलो हार्वेस्ट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। और ये तोड़ रही हूँ साथ साथ करेले, और आपको ये भी बताती हूँ फ्रेंड्स कि क्यों मेरी छत पर जो है सब्जियाँ अच्छे से होती हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले तो ये कि मिट्टी अच्छी बनाने के साथ साथ और हमें ना टाइम टाइम पर इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है ना वो भी देते रहना पड़ता है। क्योंकि ये देखो ज़मीन में तो लगा नहीं रहे, हम लगा रहे हैं पॉट्स में, तो ये जो मिट्टी जो है ना, ये हमारी, ये छोटा अभी इसको नहीं लेते, ये जो मिट्टी है हमारे पॉट्स की, ये जो है ना इसकी काफ़ी सारी शक्ति जो है ना वो चली जाती है सब्जियों को बनाने में, पत्तों को बनाने में, हर चीज़ को करने में। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि इनको बस ऐसे एक बारी मिट्टी अच्छी बना ली और छोड़ दिया। समय समय पर जो है हमें इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो डालते रहना पड़ता है। ये देखो एक ये और भी छिपा हुआ है पीछे, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले ही लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं। है तो थोड़ा छोटा, बट ये कि बाकी फिर बहुत ही छोटे छोटे हैं। अब ये एक छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, इस तरह से और भी बहुत सारे होंगे। ये फ्लावर्स वगैरह आ रहे हैं अभी इस पर, तो और भी बनेंगे छोटे छोटे जो है। ये देखो एक ये छोटा, ये रहा ये वाला। तो अब जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो साथ ही मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो ये देखो फ्रेंड्स करेले के पौधे के साथ ही आपको करेले रख के दिखाती हूँ। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेले मिल गए। तो एक बारी के लिए हो गई ना सब्जी मेरी टेरेस गार्डन से। तो चलो अब तोड़ लेते हैं व्हाइट वाले बैंगन, वो भी रेडी हो चुके हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखो आ गए हैं हम वो वाले ग्रो बैग की तरफ जहां हो रहे हैं व्हाइट बैंगन। कितने प्यारे पहली बारी लगाए हैं, ये देखो भर भर के हो रहे हैं। देखो छोटे बड़े सारे हैं इसमें, ये देखो। अब ये भी ले लेती हूँ, बार बार कहानी नहीं सुनाती अपनी की फर्टिलाइजर डालती हूँ मैं, पेस्टिसाइड डालती हूँ, आप सबको पता ही है कि वो सब। और मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं कौन कौन से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डालती हूँ। माय गॉड इधर देखो, ये देखो कितना बड़ा छोटा बैंगन हो रहा है। ये लिया तोड़, ये भी ले लेते हैं, फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा कई बारी, फिर वो भी हो जाते हैं ये। और एक ये ले लेते हैं, ये देखो 4 ले लिए, हेल्दी है ये भी सारे प्लांट। देखो कितना हेल्दी है, हेल्दी है ना, कितना 18 मई का दिन, इतनी गर्मी और हेल्दी प्लांट। तो मैं ये नहीं कहती फ्रेंड्स कि सारे ही प्लांट्स जो चल जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे मेरे चल जाते हैं। जैसे इस बारी मेरा जो तरबूज का है और जो मेरा खीरे का पौधा था वो नहीं अच्छे से चला। पिछली बारी तरबूज अच्छे मिले थे और खीरे भी कुछ मिल गए थे, इस बारी नहीं चला। तो कोई बात नहीं, नहीं चला तो, पर जो मिल रहा है ट्राई तो करते हैं पौधों की सेवा करने का। आप कहीं नहीं चलते तो क्या कर सकते हैं। तो अभी थोड़े से और बैंगन यहाँ से ले लेते हैं, जामुनी वाले बैंगन, और फिर थोड़ी सी भिंडी भी ले लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स वो तो बहुत सारे रहे हैं, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ना बैंगन। ये देखो यहाँ है, ये देखो यहाँ हो रहे हैं अंदर की तरफ, और ये देखो ये वाले कितने सारे हो रहे हैं। बट अभी मैं इस पौधे से 4 ले लेती हूँ, उधर भी है वैसे एक ग्रो बैग, आपको पता है, वहाँ भी देखूंगी कि अगर वहाँ भी मुझे मिल गए तो वहाँ भी। पहले मैं इधर से पहले भिंडी तोड़ूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको उधर लेके चलूंगी, देखेंगे अगर हुए तो। और ये हो गया चौथा बैंगन ये वाला, और अभी छोटे हैं पर देखो कितने सारे हो रहे हैं, और मैंने पिछले दिनों में भी तोड़े हैं, तो सारे मिलकर एक अच्छी सब्जी बन जाती है।
ये ग्वार फलियां उस दिन मैंने खूब सारी ली थी, आज मैं नहीं ले रही हूँ, कुछ कल परसों तक ले लूंगी और ठीक है। चलो अब हार्वेस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी भिंडी, ये वाली भिंडी वाले पॉट में दिखा भी देती हूँ पहले आपको। ये देखो ये हेल्दी भिंडियां हैं बिल्कुल, देखो और पौधे देखो कितने हेल्दी हैं, दो पौधे हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर ये ले रही हूँ मैं भिंडी। आप भी फ्रेंड्स अगर मतलब इस खुशी को लेना चाहते हैं ना कि आप अपने घर पर सब्जियां उगाकर उनको हार्वेस्ट करके बनाना चाहते हैं ऑर्गेनिक, सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि ये सारी सब्जियां मेरी क्या हैं, ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक, क्योंकि इनको उगाने के लिए मैंने किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया है, कभी किया भी नहीं है और करूंगी भी नहीं। मैं तो अपने फूलों के पौधों में भी नहीं करती, क्योंकि आपको पता है मैं मिट्टी निकाल निकाल कर फिर उसको वो करती रहती हूँ, उसको हेल्दी बनाती रहती हूँ, तो फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई ऐसी मिट्टी केमिकल वाली जो है ना सब्जियों की मिट्टी में आए। ये रही मेरी भिंडियाँ इस वाले पौधे से हो गई हैं, अभी और भी छोटी छोटी हो रही हैं। मतलब भिंडी का तो ऐसे होता है ना, हर रोज और चार पाँच मिल जाती हैं, तो उसको रखते नहीं है पौधों पर, क्योंकि रखते हैं तो सख्त हो जाती हैं, तो इसलिए उसको लेते जाते हैं। देखो इतनी सारी हो गई, ट्रे भर गई अभी से। अभी आ गई हूँ मैं इस तरफ, ये देखो कितना प्यारा भिंडी का फ्लावर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर देखो, है ना। चलो इसमें अभी ना मतलब ये पौधे हो तो अच्छे रहे हैं, भिंडियां भी हो रही हैं, लेकिन वो ग्रो बैग वाले में ज्यादा अच्छे से हो रही हैं भिंडियां, बट आई होप होंगी इनमें भी, क्योंकि अभी इसमें पहले एक ही पौधा था ये वाला अच्छे से चल रहा था, अब ये देखो ये वाला, ये तीन पौधे और बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो जाएंगी इस पर भी, हाँ हो जाएंगी अच्छे से भिंडियां इस पर अभी तो यहाँ पर यही मिली है। और ये देखो ये दिखा देती हूँ, ये देखो कद्दू की बेल जो है ना वो इधर भी आ गई है मेरे ये भिंडी वाले पौधे में। ये देखो एक कद्दू तो अपना मैंने शेयर किया था आपके साथ जो तोड़ा था, एक यहाँ हो रहा है, तो इस तरह से बेलें आपस में अगर उलझ भी जाती है ना तो चलता है। एक मैंने आप खरबूजा तोड़ा था वो आपके साथ शेयर किया था, अभी मैं जब आपको एंड में दिखाऊंगी ना अपनी हार्वेस्टिंग उसमें डाल दूंगी। एक यहाँ पर पीछे हो रहा है ये देखो, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हो रहा है हल्का सा उठाकर दिखाती हूँ, ये देखो कितना प्यारा हो रहा है। पिछला वाला खरबूजा जो हुआ था ना फ्रेंड्स, इतना मीठा खरबूजा था, मैं आपको बताऊँ इतना मीठा खरबूजा कभी मार्केट से आपको नहीं मिल सकता, और ये भी आई होप अच्छे से होगा। और एक ये वाला खरबूजा देखो ये क्या हुआ है, ये कद्दू वाले ड्रम के पीछे छुपा हुआ है, तो ऐसे बस जहां भी जाती है ना बेलें जाने दो इसको, कई बार ज्यादा टेम करने से फायदा नहीं होता। ये देखो पत्ते इतने पतले होते हैं इसके कद्दू की बेल के, सूख रहे हैं कुछ कुछ, पर मैं इनको निकाल दूंगी, सूखे हुए पत्तों को अगर आप निकालते जाओगे ना बहुत ही बढ़िया रहता है। अभी और भी हो रहे हैं देखो कद्दू, यहाँ पर भी लगेंगे, ये देखो आई होप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, ये देखो हरा धनिया भी मेरे इस पॉट में पहले भी बहुत अच्छा हुआ था, अभी मैं आपको साथ साथ क्लिप भी दिखा दूंगी पिछली बारी की, और ये देखो अभी भी अच्छे से हो रहा है, पूरा पॉट ऑलमोस्ट भर गया, और साथ में ये मिर्ची का पौधा भी हो रहा है, इसको भी मैं होने दूंगी क्योंकि ये मेरी कंपोस्ट से निकला है। ये देखो ये वाला मेरा ग्रो बैग है ना जिसमें मैं कह रही थी कि देखूंगी, ये देखो इसमें ना अभी छोटे छोटे हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है अभी, बट अभी हार्वेस्टिंग के लायक नहीं है ये ना, छोटे छोटे हैं ये। तो ये है बस एक 12 इंच के पॉट्स में, कल जो मैंने शॉर्ट आपको बना के दिखाया था ना कि 12 इंच के पॉट्स में हो रही है तोरी, ये देखो ये भी काफ़ी हेल्दी है, देखो फूल भी आ रहे हैं ना कितने कितने। तो ये वाली जो है ये देखो ये तोरी मैंने कल आपको दिखाई थी तो इतनी बड़ी नहीं थी, थोड़ी छोटी थी, आज इसको भी हार्वेस्ट कर ही लेते हैं। ये देखो कर रही हूँ मैं 12 इंच के पॉट में, पहली बार लगाई है 12 इंच के पॉट में तोरियां, दो बीज बच गए थे तो मैंने कहा क्यों वेस्ट कर लें, देखते हैं लग गए तो लग गई, एक्सपेरिमेंट अच्छा जा रहा है शायद। आप लोग भी अगर घर में नहीं है जगह और 12 इंच के पॉट्स में तोरी लगाने की ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखो इतनी सारी सब्जियां आज के दिन में हार्वेस्ट कर ली मैंने। टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इसमें अब अगर कभी कभी हमें इस तरह की सब्जियां मिल जाती हैं तो हमारी खुशी का तो ठिकाना रहता ही नहीं है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा यह सब देखना, अच्छा लग रहा है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, इकट्ठे मिलकर वेजिटेबल्स उगाएंगे अपनी छत पर ऑर्गेनिक तरीके से और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, हंसते रहना, हंसाते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय फ्रेंड्स।